हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति एंड वेलकम टू कुकीज़ विद श्रुति। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे किड्स फेवरेट पिज़्ज़ा। ये इंस्टेंट पिज़्ज़ा है, 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। इसे आज हम गैस पे और माइक्रोवेव दोनों में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ले ली हैं वेजिटेबल्स, अनियन, टमाटो, कैप्सिकम और कॉर्न। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ भी लिया है, जिसको मैंने वेजिटेबल्स के साइज़ में ही फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारी चीज़ों को एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे और ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, मेयोनीज, और चाहें तो आप इसमें टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो आप इसमें एक बार सॉल्ट ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो सॉल्ट है इसमें परफेक्ट है। सॉसेज में ऑलरेडी सॉल्ट होता ही है, आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस फिलिंग को मैं साइड में रख दूँगी। गैस पर बनाने के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ अप्पे पैन, और माइक्रोवेव में बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी कपकेक की ट्रे। तो दोनों के कैविटी के साइज़ के हिसाब से हमको ब्रेड्स को कट करना है। ब्रेड का इसमें मैं बेस लगा रही हूँ, तो बेस के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक कटोरी की हेल्प से या कुकी कटर की हेल्प से हम इसको सर्कुलर डिस्क में कट कर लेंगे। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस पार्टी स्टार्टर तो है ही, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से आप इसकी सर्कुलर डिस्क कट कर लें, और ये बची हुई ब्रेड है इसे आप फेंकें नहीं। इसके ब्रेड क्रम्स बना के आप जब भी कोई कटलेट या टिक्की बनाएं उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम रोलिंग पिन की हेल्प से इसको लाइट प्रेशर देते हुए पतला बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेशर ना दें, वरना ब्रेड ये टूट सकती है। अप्पे पैन के हिसाब से मैंने एक ब्रेड में से दो सर्कल्स निकाले हैं, क्योंकि मेरे अप्पे पैन की कैविटी थोड़ी छोटी। तो आप अपने हिसाब से इसको ऐसे ही कट कर लें। तो हमारी यहाँ पर सारी ब्रेड रेडी हैं, तो चलिए देखें इसे कैसे बनाना है। मैंने लिया है मेल्टेड बटर, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, बट बटर इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। जेनरस अमाउंट ऑफ बटर आप इसके सारी कैविटीज़ में अच्छे से कोट कर दें। बटर लगाने से हमारी जो ब्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनेगी। अब एक ब्रेड का पीस लें और इसको इस कपकेक की ट्रे में सेट कर दें। इसको बहुत ही हल्के हाथ से करना है, प्रेशर ना डालें वरना ये टूट जाएगी। तो इसी तरीके से साइड से इसको पुश करते हुए आप इसके अंदर इसको सेट कर दें। फिर एक बार वापस से आप बटर इसके ऊपर की साइड पर भी लगा दें। जेनरस अमाउंट ऑफ फिलिंग आप इसमें रख दें। मैं एक प्लेन भी बना रही हूँ बिना वेजिटेबल्स वाला, तो बच्चे जो पसंद नहीं करते वेजिटेबल्स खाना, आप उनके लिए ये इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, जिसको मैंने अच्छे से इसमें कोट कर दिया है, और साथ में मैं इसमें डालूँगी अच्छी क्वांटिटी में मोज़रेला चीज़। ऊपर से डालें थोड़ा सा चीज़ और थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स एज पर योर लाइकिंग। तो हमारे क्यूट से पिज़्ज़ा अवन में जाने के लिए रेडी हैं। इसको मैं बेक करूंगी 10 मिनट के लिए 200 डिग्रीज पे, या फिर जब तक कि हमारी ब्रेड जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। दूसरा तरीका भी सेम करेंगे, अप्पे पैन को भी हम इसी तरीके से अच्छे से बटर से कोट कर लेंगे और ब्रेड स्लाइस को इसके अंदर सेट कर देंगे। सारी ब्रेड स्लाइस अच्छे से सेट हो गई हैं, इसको ऊपर से वापस से बटर के साथ कोट कर लें और अच्छी अमाउंट में इसमें भी फिलिंग रख दें। गैस पे इसको परफेक्टली कुक करने के लिए मैंने फ्लेम को रखा है एकदम लो, और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके कुक कर लिया है। 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो हमारे ये माइक्रोवेव वाले पिज़्ज़ा कप्स बनके रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी और यमी बने हैं। 10-12 मिनट बाद मैंने गैस वाले भी चेक कर लिए हैं, ये भी परफेक्टली कुक हो गए हैं। अगर आपको भी आज की ये टेम्पटिंग सी क्यूट और यमी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कुकीज़ विद श्रुति फॉर मोर सच वंडरफुल रेसिपीज़।